कि आपको पता है आप हाइड्रोपोनिक सेटअप में कई सारे पौधों को उगा सकते हैं। पता होगा ही, मैं भी क्या पूछ रही, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ दिन पहले ही हाइड्रोपोनिक पे एक डिटेल वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि हाइड्रोपोनिक का बेसिक सेटअप कैसा होना चाहिए, कैसे इसमें फर्टिलाइज़र देना है या नहीं देना है, मॉस्किटो की प्रॉब्लम होती है कि नहीं। लेकिन हाँ, मैंने उस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी थी, वो थी हाइड्रोपोनिक सेटअप का लाइट रिक्वायरमेंट। इंडोर रखना है या आउटडोर रखना है, तेज़ धूप चाहिए या डार्कनेस चाहिए, उसी चीज़ पे इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा छोटा सा बालकनी। आपको पता होगा ही, मैं लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में फंस गई हूँ और यहाँ पे मेरी बहन का घर है, तो उसके बालकनी में ही मैं कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने गार्डनिंग वर्क कर रही हूँ। इस अरेका पाम को और मेरे इस बालकनी को आपने मेरे पहले कई सारे वीडियोस में देखा होगा, क्योंकि मैं आती जाती रहती हूँ। और हाँ, बालकनी मेकओवर मैंने किया था, जिसका मैंने डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर किया है अपने दूसरे चैनल पे, जो कि नेचर इन पॉट के नाम से हैं। उसका लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इस मेकओवर वीडियो को आप ज़रूर चेक करिएगा, मुझे करने में बड़ा मज़ा आया था और फॉर श्योर आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हाइड्रोपोनिक सेटअप के लोकेशन की। एक्चुअली मेरे मोस्टली हाइड्रोपोनिक सेटअप इसी बालकनी में है। ये एक ओपन बालकनी है, ऊपर खुला हुआ है, जिससे कि ये बालकनी बहुत ही अच्छे से वेल लिट है। और दूसरी अच्छी बात ये है कि जो लोकेशन मैंने हाइड्रोपोनिक के लिए सेलेक्ट किया है, वहाँ पे मॉर्निंग में बस 9 बजे तक ही डायरेक्ट सनलाइट आती है और उसके बाद बस इनडायरेक्ट अच्छी लाइट। और हाँ, ये जो लोकेशन है, ये ऊपर वाले की बालकनी थोड़ी निकली हुई होने के कारण बारिश से भी बच जाता है, तो वाटर ओवरफ्लो का भी कोई भी खतरा नहीं होता। इस लोकेशन के अलावा मैंने कुछ हाइड्रोपोनिक सेटअप अपने किचन विंडो पे भी रखे हैं, क्योंकि वो भी एक काफ़ी ही वेल लिट लोकेशन है। लास्टली, मैं हाइड्रोपोनिक सेटअप के लाइट रिक्वायरमेंट को समराइज करूँ तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, उस लोकेशन पे दोपहर की तेज़ धूप नहीं आनी चाहिए। दूसरा, उस लोकेशन पे अच्छा लाइट आए और मॉर्निंग या इवनिंग में 1-2 घंटे के लिए डायरेक्ट सन लाइट आए, तो पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो होंगे। तीसरा, उस लोकेशन पे बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बारिश से अक्सर ओवरफ्लो हो जाएगा वाटर, जिससे कि स्टेम का पोर्शन पानी के अंदर डूब जाएगा और वो धीरे धीरे गलने लगेगा। चौथा, काफ़ी ज़रूरी टिप उन लोगों के लिए जो हाइड्रोपोनिक सेटअप को इंडोर रखना चाहते हैं। अगर आप इंडोर रख रहे हैं तो किसी ऐसी जगह पर रखिए जो वेल लिट हो, विंडो पर या विंडो के काफ़ी पास, क्योंकि अक्सर डार्क में हाइड्रोपोनिक सेटअप रखे रहने से पौधे लगी हो जाते हैं और धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे कुछ दूसरे पौधे हैं जो मैं लॉकडाउन में ग्रो कर रही हूँ, जैसे बेसिल जो मैंने सीड से ग्रो किया था, और ये हैं बनाना पील जिसे मैंने ड्राई किया है अपने एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए, और कुछ कोकोपीट लकीली मैंने लॉकडाउन शुरू होने के एक दिन पहले परचेस किया था, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प कर रहा है। कंपोस्ट तो हमेशा मेरे पास तैयार रहते हैं। और यहाँ पे मैंने करी पत्ते की कटिंग को रखा हुआ है रूटिंग के लिए पानी में। कुछ ट्रिक लगाया है मैंने जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब ये ग्रो हो जाएगा विथ अपडेट अपने करी प्लांट वीडियो में। ये मेथी जो मैंने कोकोपीट में लगाया था, जो कि ठीक ठाक ग्रो हो रहा है, वहीं आप देखें पानी वाला मेथी काफ़ी अच्छे से उग रहा है। और ये बेजील हैं जो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। अनियन मैंने पानी में उगाया था, फिर उसको मैंने कोकोपीट में ट्रांसप्लांट किया है, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है, और एक बार तो मैंने हार्वेस्ट भी ले लिया। बेजील भी जो मैंने कोकोपीट में लगाया है, वो काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है इन कंपैरिजन टू जो मैंने सॉइल में लगाया था। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको आगे के वीडियोज़ में देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगी आपसे कुछ नई जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा मदर नेचर का, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे साथ पौधे उगाते रहिए। बाय गाइस, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ। प्रकृति इज गार्डन, साइनिंग ऑफ।